कोरोना महामारी के चलते जहां आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा हुआ था, वहीं अब ये घटनाएं आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ताजा मामला जिला पठानकोट के गांव थरियाल का है, जहां अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक परिवार पर हमला करके परिवार के 5 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इस संबंधी जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना का सुबह उस वक्त पता चला जब दूध देने वाला इस परिवार के घर में आया और अंदर से कोई आवाज ना आने पर जब अंदर जाकर उसने देखा तो सभी लोग गंभीर जख्मी पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल पठानकोट में इलाज के लिए लाया गया। ये भाई साहब ने हमें सवेरे लगभग 8 बजे पता लगा, वो भी हमारे भतीजे ने फोन किया है कि ऐसे ऐसे करके इनको काफी सारी चोटें लगी हैं जो ब्लंट इंजरीज हैं। तो तब हम लोग सारे रश किए हैं वहाँ इनके घर, तो हमने इनको सबको जो है वो घर से अंदर से निकाल के, जो कि सारे बुरे तरीके से जख्मी थे, खून में लथपथ थे, उनको यहाँ पठानकोट एवैक्यूएट किया है। अभी क्या कंडीशन सर? अभी जो अशोक कुमार हैं, जो घर के मुखिया हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है और बाकी सारे मेंबर जो हैं वो कितने मेंबर थे घर के? घर के 3, 4, 5, 6 मेंबर थे। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ही इस बंदे का कहाँ किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्शन था, तो इसलिए क्या है कि किसी को नॉमिनेट करना जो है वो नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। वहीं इस संबंध में और जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के SMO ने कहा कि सुबह 8 बजे के आसपास गंभीर रूप से जख्मी 5 मरीज आए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया है। आज सवेरे तकरीबन 8:30 बजे के करीब साढ़े को 5 बैडली इंजर्ड जो पेशेंट्स आए, जिन्हों चो एक जो ब्रॉड डेड से, ये पेशेंट साढ़े को थरियाल तो आए ने, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सट्टा लगिया सी, और एक तो ब्रॉड डेड, बाकी जो 4 सीरियस से, 2 जो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल से, और 2 जो उन्होंने भी फ्रैक्चर और काफ़ी ज़्यादा चोटा लगिया सगिया। असी उन्होंने जो भी साडा इनिशियल स्टे होंगे साडा मैनेजमेंट, वो करके फस्ट एड करके सारे स्टिचिंग वगैरह सारा करके, क्योंकि उन्होंने सीरीयसनैस और क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए उन्होंने सारे असी मैडिकल कॉलेज अमृतसर जो रैफर किया है। वहीं इस बारे में SSP पठानकोट ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। रात की वारदात है और 2 बजे के करीब कुछ बंदियों ने इतने आकर के घर के पौड़ियाँ इस पास लगा करके ऊपर अटैक किया है। 5 बंदे थे इतने, अशोक कुमार जी है ठेकेदार, उन्होंने घर हैगा ही, पर 3 बंदे सुते पे सके, 2 बंदे थले सके सुते, उन्होंने अटैक किया। अटैक करने तो बाद फिर घर में लुट करके एंड दैन दे हैव लैफ्ट चले गए इतों। तो असं कर रहे हैं वारदात जिते ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, परचा आप दर्ज कर लिया है, तो एक आप SIT फॉर्म कर रहे हैं स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम, जो कि सारी वारदात को आप अपनी निगरानी हेठ कराएगी, बाकी परसनली मैं भी ये सुपरविजन पूरी करूँगा। जो वैपन हजे तक लगा सानू कि कोई बेसबॉल टाइप का वैपन उन्होंने यूज़ किया है, बाकी लुट बारे हजे सानू ज़्यादा पता नहीं लगेगा, बिकॉज सारे ही बंदे जो है वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, जो अशोक कुमार जी उन्होंने तो डैथ हो गई है, बाकी बंदे सारे अमनदीप अस्पताल भर्ती है, तो जो भी वो बयान देने हालात में आने फिर उन्होंने को पूछा कि कि चीज़ घर में सी। काफ़ी वीडी वारदात हैगी, आप लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पठानकोट।